मालवा के गेहूं की कई राज्यों में डिमांड बढ़ने से एमपी के किसानों की बल्ले बल्ले बढ़ गया रकबा। नमस्कार, देखिए किसानों की विशेष खबर। जिले में इस बार गेहूं उत्पादक किसानों की कमाई बेहतर होने की संभावना है। दरअसल इस बार गेहूं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं। गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा चल रहे हैं। यदि फसल आने तक दाम इसी तरह रहे तो किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं विशेष बात यह है कि यूं तो महाराष्ट्र, हैदराबाद सहित अन्य प्रदेशों में मालवा से गेहूं जाता रहा है, लेकिन इस बार डिमांड ज्यादा होने से मालवा का गेहूं नजदीक के राज्य उत्तर प्रदेश भी जा रहा है। साजापुर जिला जहां एक और उद्यानिकी फसलों में प्याज, संतरा जैसी उपज के लिए अपनी पहचान बना चुका है, तो वहीं इस क्षेत्र का गेहूं भी प्रदेश व क्षेत्र भर में जाता है। जिस वर्ष औसत वर्षा से जल स्रोत लबालब रहते हैं, तब गेहूं का रकबा काफी ज्यादा रहता है। इस बार भी जल स्रोतों में सिंचाई के लिए भरपूर पानी है, तो पर्याप्त खाद भी उपलब्ध होने से गेहूं का रकबा 2 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। गेहूं उत्पादक किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद या मंडी में व्यापारियों को विक्रय करते हैं। सन 2022-23 के सरकारी खरीदी की बात करें तो 2015 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य के दाम थे, जबकि वर्तमान में गेहूं के दाम तब के समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा चल रहे हैं। हालांकि अभी फसल खेतों में खड़ी है। गेहूं फसल पककर बाजार में आने में करीब 2.5 माह का समय शेष है। मार्च माह में फसल कटने की शुरुआत होगी, तो कहीं अप्रैल माह में फसल पकेगी। गेहूं उत्पादक किसान अपनी फसल आने का इंतजार कर रहे हैं। इसका कारण गेहूं के दाम रिकॉर्ड पर चलना है। कृषि उपज मंडी में पिछले कई दिनों से विक्रय के लिए आ रहा गेहूं उचित दामों में बिक रहा है। सोमवार को गेहूं की आवक तो कम रही, लेकिन दाम 2442 रुपए क्विंटल से लेकर 2821 रुपए क्विंटल तक रहे। यह दाम रिकॉर्ड है। इतने ऊंचे दाम तो रूस यूक्रेन युद्ध के असर से भी नहीं हुए थे। उस समय दाम को नियंत्रित करने के लिए निर्यात पर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन अब देश में ही बढ़ रही डिमांड से दाम में फिर उछाल देखा जा रहा है। इधर साजापुर क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन पिछले सन में ठीक हुआ था, वहीं इस बार तो पिछले साल से करीब 10,000 हेक्टेयर रकबा ज्यादा भी है। साजापुर से उत्तर प्रदेश भेजा गेहूं अनाज दलहल तिलहल व्यापारी महासंघ जिलाध्यक्ष किरण सिंह ठाकुर बताते हैं कि गेहूं की डिमांड इस बार कुछ ज्यादा है। साजापुर सहित मालवा क्षेत्र का गेहूं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि कई जगहों पर जाता है, लेकिन यह पहली बार ही कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी डिमांड होने से क्षेत्र का गेहूं भेजा जा रहा है। साजापुर क्षेत्र से ही हजारों बोरी गेहूं पिछले कुछ समय से भेजे जा चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।